सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब? मेरे को कमेंट्स पर जरूर से बताइएगा। एंड आज हम बात करने वाले हैं सेल के बारे में। सेल जो कि अमेज़न के ऊपर शुरू हो चुकी है, फ्लिपकार्ट के ऊपर शुरू हो चुकी है आज ही से 17 तारीख से। बट यू नो, वो जो अमेज़न और फ्लिपकार्ट के स्पेशल मेंबर्स होते हैं ना, प्राइम मेंबर्स या फिर फ्लिपकार्ट प्लस के मेंबर्स, उनके लिए 16 तारीख से शुरू हो गया था। बट नॉर्मल जो कि हम यूजर्स हैं, जो कि हम वैसे ही नॉर्मल यहाँ पे शॉपिंग करते हैं विदाउट प्राइम मेंबरशिप या वगैरह ऐसी को मेंबरशिप के, उनके लिए 17 तारीख यानी कि आज से सेल शुरू हो चुकी है। एंड ये कुछ 20 तारीख तक जाने वाली है। एंड फ्लिपकार्ट के ऊपर आईसीआईसीआई के ऊपर यहाँ पे डिस्काउंट्स रहेंगे। एंड ऑल्सो अगर आप अमेज़न के ऊपर जा रहे हो तो यहाँ पर आपको रहने वाले एसबीआई के ऊपर बहुत सी ऐसी डील्स हैं जिसके ऊपर खतरनाक वाले आपको प्राइसिंग देखने को मिलेगी। एंड आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे ऑफर्स निकल कर आए हैं, तो मैं आपको सारे बताने वाला हूँ। बट ऐसी दो तीन डील्स भी हैं जो कि आपको देखने को इतनी अच्छी लगेगी कि आपका मन करेगा बस उठा के घर ले आऊं, बट उनसे आपको दूर रहना है, अवॉइड करना है। मतलब खराब मैं नहीं कहूंगा, बकवास है, बट पैसा अच्छी जगह नहीं लग रहा। तो चलो पहले मैं आपको बेस्ट डील्स बताता हूँ, उसके बाद वो डील्स बताऊंगा जो कि आपको छोड़ देनी है। तो भैया देखो, हम क्या करते हैं, पहले हम डायरी के ऊपर डील्स लिखते हैं, फिर फोन से फोटो लेते हैं वीडियो में बताने के लिए। सो मैं अमेज़न से शुरू कर रहा हूँ। अमेज़न के ऊपर काफी अच्छी अच्छी डील्स आ रही हैं, फ्लिपकार्ट के ऊपर इतने बड़े ऑफर्स नहीं है जितने कि अमेज़न के ऊपर है। तो यहाँ पर कुछ कूपन भी लगेंगे, एसबीआई का क्रेडिट कार्ड भी लगेगा। सो मैं फाइनल प्राइस बता दूंगा और वो कैसे कैसे ऑफर है वो आप जाके अमेज़न के ऊपर देख सकते हो। स्टार्टिंग में तो पतला फोन शाओमी का जो आता है लाइट एनी 5G, ये जो स्मार्टफोन है मैं कहूंगा वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंड स्मार्टफोन है 25,000 के नीचे। एंड इसके अंदर आपको बहुत ही प्यारा डिजाइन देखने को मिल जाता है। वैसे ये फोन 27,000 रुपए का है, लिस्ट भी इतने में हो रखा है, बट यहाँ पे ऑफर्स वगैरह लगाकर 21,500 रुपए का पड़ेगा। जी हाँ, 1,000 रुपए का कूपन है और एसबीआई के ऊपर कुछ 4,500 रुपए का डिस्काउंट है, तो 21,500 में ये बहुत सही डील है अगर आप शाओमी का एक फोन लेना चाहते हो। स्पेशली ये वाला फोन जो है ना, 21,500 में मेरे को लगता है एकदम तोड़ फोन है। नेक्स्ट फोन सैमसंग लवर्स के लिए, और सैमसंग का ये जो फोन है मेरे को लगता है ये वन ऑफ द बेस्ट कैमरा फोन है। यहाँ पे गैलेक्सी M52, ये काफी महंगा आया नहीं था, 25,000 का था, बट इसका प्राइस 30,000 पे चला गया। बट अभी सेल के ऊपर अगेन ये 25,000 के ऊपर लगा हुआ है, बट इसके ऊपर डिस्काउंट है। मतलब अगर आप एसबीआई का कार्ड अरेंज कर लेते हो या फिर आपके पास खुद का है, मैं तो कह रहा हूं ऐसे नहीं है तो अरेंज कर लो यार। मतलब कुछ लोग कहते हैं हमारे पास है नहीं तो हम क्या करें, भाई आसपास होगा किसी के पास, अरेंज कर लो। 3,000 का डिस्काउंट है, आपको 22,000 में ये फोन पड़ेगा। एंड भाई साहब, ये बेस्ट फोन होगा सैमसंग की तरफ से, आपको 25,000 के अंदर ऐसा और कोई सैमसंग फोन नहीं मिलेगा जहां पर ओवरऑल बहुत ही बढ़िया स्पेक्स है और इसके कैमरास बहुत तगड़े हैं। सो M52 दिमाग में रखो। गैलेक्सी एक और भी है M32, ये स्मार्टफोन 15,000 रुपए का वैसे बिकता है देखने को, बट ये और सस्ता मिल रहा है। ऑफर में कुछ 11,750 रुपए का देखने को मिल जाएगा। वैसे और भी काफी अच्छे फोन आते हैं जैसे इन्फिनिक्स का है, मोटरोला का है, बट ये स्मार्टफोन जब तक 15,000 पे था इतनी ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहा था। बट अगर आप इसको 11,750 पे देखोगे तो बहुत सही है, क्योंकि इसमें फुल एचडी प्लस का एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। एंड ऑल्सो यहाँ पे हमें G80 की परफॉर्मेंस देखने को मिलती है एंड कैमरास लाजवाब है, सो इस फोन को आप देख सकते हो। एंड अगर आप सोच रहे हो कि ये वीडियो शूट किस पे हो रही है, तो ये Xiaomi 11i के ऊपर हो रही है, इसके ऊपर भी ऑफर है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अगला जो ऑफर है ना वो मेरा फेवरेट रहेगा, वो सैमसंग की तरफ से आ जाता है, सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 5G। जी हाँ, आप कह रहे होगे यार ये तो पुराना हो गया, S21 FE 5G आ चुका है, बट गाइस वो काफी महंगा है और अभी सेंस बना रहा है कि अगर आप S20 FE 5G को ले लेते हो वो ज्यादा बेटर डील रहेगी, क्योंकि वो फोन काफी महंगा लॉन्च हुआ था पर अभी के हिसाब से बहुत सस्ता मिल रहा है। वैसे ये 36-37,000 के आसपास आपको ऑफर देखने को मिल जाएगा, और अगर इवन कि आप EMI के ऊपर लेने की सोच रहे हो तो आपको थोड़ा सा और डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। अब ये फोन मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूं क्योंकि ये एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन है, इसमें बहुत ही अच्छे कैमरास है और इसमें सारे फ्लैगशिप वाले फीचर्स जो सैमसंग देता है। S21 जितने भी वाले फीचर्स आ रहे हैं वो कंसिडरेबली इसके अंदर है, बस थोड़ा सा यहाँ पे आपको प्रोसेसर डिफरेंट मिल रहा है, प्रोसेसर थोड़ा सा पुराना है बट स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है, भरोसा ज्यादा है, हीटअप नहीं होता है। एंड ये वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है और पीछे भी इसकी बहुत ज्यादा सेल हुई थी जब ये सेल में आया था, और इस बार भी मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा बिकने वाला है। और अगर आप इसको उठा सकते हो भैया उठा लो, कुछ और एक्सचेंज ऑफर्स वगैरह अगर आप इसके ऊपर लगाते हो तो और भी ज्यादा सस्ता मिल सकता है। अभी OnePlus का नया फोन आया OnePlus 9RT 43,000 रुपीज का, पर इसके ऊपर भी ऑफ देखने को मिल रहा है, आपको 39,000 रुपीज का मिल जाएगा। एंड इसके रिव्यूज एंड्रॉइड चैनल पे आ जाएंगे तो आप वो जाके जरूर से देखना, भाई बहुत अच्छी वीडियोस बनाने वाले हैं, मैंने अरेंज करने की कोशिश कर रहा हूं, हो जाएगा तो अच्छी बात है, बट 39,000 में एक अच्छी डीसेंट डील है। स्नैपड्रैगन 888 वाला स्मार्टफोन अंडर 40,000 लेना एक कमाल की डील होगी। नेक्स्ट फोन है iQOO 7, मेरे हाथ में वही फोन है, एंड ये स्मार्टफोन भी एकदम से तगड़ा वाला फोन है।
30,000 के अंदर अभी तक ये बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिशन दे रहा है और ये फोन आपको 27,000 रुपए में देखने को मिल जाएगा। अगर आप इसको उठा सकते हो, ग्रैब कर सकते हो, ऑफर लगा के आप इसको जरूर से ग्रैब करो, क्योंकि इसमें परफॉर्मेंस भी बहुत तगड़ी, इसमें एंड्रॉइड 12 भी आ चुका है एंड ओवरऑल इसमें की कैमरास भी काफी नाइस है, तो इसको आप उठा सकते हो, आप एंजॉय करोगे। बाकी अगर आप चाहते हो कि iQOO 9 सीरीज आ रही है, इसकी वेट कर ली जाए, वो थोड़ा सा महंगा होगा, बट अगर आप पैसे डाल सकते हो सो हाँ, स्किप कर देना। नेक्स्ट यहाँ पे जो फोन आता है वो है OnePlus की तरफ से Note 2। अब भाई मैं आपको यहाँ पे एकदम से मतलब अपनी तरफ से गारंटी करके नहीं बोल रहा कि आपको ये फोन लेना ही चाहिए, क्योंकि इतनी कॉन्ट्रोवर्सी हो गई, इतने ब्लास्ट हो गए, ये हो गया, वो हो गया, सो आई एम नॉट श्योर। आपको अगर आपका मन है तो आप अपने रिस्क पे ले सकते हो, बट ये जो स्मार्टफोन है वो 27,000 रुपए में देखने को मिल जाएगा। अच्छा डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, बट भाई डर लगता है थोड़ा सा, बट अगर आपका बहुत ज्यादा माने कि OnePlus Note 2 लेना है तो डिस्काउंट आ रहा है, आप देख लेना। Flipkart पे चलते हैं, ICICI कार्ड के साथ अगर आपकी अरेंजमेंट हो जाती है किसी तरीके से तो भैया यहां पर अभी अच्छे ऑफर्स हैं। स्टार्टिंग ऑफ विद Moto Edge 20 Fusion, ये जो Fusion वाला स्मार्टफोन है ना, वो इतना भी अच्छा फोन मैं नहीं कहूंगा अभी के हिसाब से, क्योंकि Moto G71 जो है ना वो थोड़ा बेटर बनाएगा, बट Edge Fusion आप इसीलिए ले सकते हो कि इसमें थोड़े से फीचर्स ज्यादा है, जैसे कि हाई रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाती है, G71 में नहीं है। बट अगर आप एक कैमरा गए हो तो आई थिंक G71 आपके लिए रहेगा, वो 19,000 में फोन है, ये वाला आपको देखने को मिल रहा है कुछ आफ्टर डिस्काउंट 20,250 रुपए में, बट आपको कैमरा इतना मैटर नहीं करता, फिर आप इसकी तरफ जा सकते हो, दोनों में स्टॉक एंड्रॉइड है। ओवरऑल G71 ज्यादा अच्छा लगता है, तो इसको मैं डोंट वाली कैटेगरी में ले रहा हूं, बट अगर आपका मन है क्योंकि इसमें हाई रिफ्रेश रेट है तो ठीक है, थोड़ा बहुत डिस्काउंट है। नेक्स्ट फोन आता है मेरा वन ऑफ द फेवरेट, Realme GT Master Edition। मैंने कल इसकी वीडियो भी डाली है जहां पे मैंने कंपैरिजन दिया था, कल नहीं परसों डाली थी, कंपैरिजन दिया है Xiaomi 11i के साथ चार्जिंग केस के साथ, नहीं देखा है तो जाके देख लेना भैया, इंपॉर्टेंट वीडियो है काफी ज्यादा। एंड ये स्मार्टफोन अभी 22,000 रुपए में देखने को मिल जाएगा, एक्चुअली 21,250 रुपए का पड़ेगा सारे ऑफर लगा के। अगर आप मास्टर एडिशन लेने की सोच रहे थे तो 21,250 रुपए में द बेस्ट स्मार्टफोन मेरे को लगता है, बैलेंस्ड है, ऑलराउंडर है, यूआई अच्छी है, वगैरह वगैरह काफी सारी चीजें। सो आई थिंक अगर बजट आपका सिर्फ 21,250 से ऊपर नहीं जाता, 22,000 तक नहीं जाता, M52 नहीं ले सकते, बट एक्चुअली M52 से एक बेटर चीज इसमें है, वो इसमें गेमिंग काफी स्टेबल है, तो आप उसके हिसाब से सोच सकते हो, हेडफोन जैक भी है इसके अंदर। सो मास्टर एडिशन मेरे हिसाब से ओवरऑल एक ऑलराउंडर है अगर आप लेना चाहते हो। Realme GT Neo 2 एक और मेरा फेवरेट स्मार्टफोन जो कि 30,000 के अंदर देखने को मिल जाता है, ये रहे भाई साहब, और ये भी स्मार्टफोन काफी बढ़िया है, ये ओवरऑल एक ऑलराउंडर है। iQOO 7 से थोड़ा सा मेरे को ऊपर लगता है ये स्मार्टफोन, ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर देता है, इसके ऊपर भी डिस्काउंट है, मैं आपको बता दूं ये आपको मिल जाएगा 28,000 रुपीस में, 32 का लॉन्च हुआ था, बट यहां पर 28K में काफी अच्छी डील है अगर आप ये परचेस करना चाहते हैं डेफिनेटली। Moto H20 के ऊपर भी ऑफर है, काफी सही फोन है यार, बट प्लास्टिक बैग के साथ ज्यादा अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, क्योंकि इसमें 144 हर्ट्ज की डिस्प्ले आ जाती है एमोलेड वाली, और यहां पर टेलीफोटो लेंस है भाई, वो जूम जूम करने वाला लेंस इसके अंदर देखने को मिल जाता है, बाकियों में आपको पता है रेयर हो गया, आजकल नहीं मिल रहा। सो यहां पे ये 27,250 रुपए में मिल जाएगा, अच्छा डिस्काउंट है, अगर आप इसको पिक करना चाहते हो स्टॉक एंड्रॉइड वाला फोन जहां पे फीचर्स अच्छे हैं, आप डेफिनेटली चेकआउट कर लीजिएगा। हाँ तो भाई Xiaomi 11i, इसके फ्रंट कैमरा 1080p के ऊपर ये रिकॉर्डिंग हो रही है, काफी मस्त लग रही है मेरे को, और ये अगर आपको फोन लेना है आप ले सकते हैं, आपको ये पड़ेगा कुछ आई थिंक 21,500 रुपए का सारे ऑफर लगा के, एंड ये 25,000 का लॉन्च हुआ है, तो 21-22,000 के आसपास अगर आपको ये मिल जाता है तो अच्छी डील है। मतलब 11 Lite Any 5G अगर आप नहीं लेना चाहते हो इस वजह से कि आपको थोड़ा सा ज्यादा पतला है भाई, डर लगता है उस पतले फोन से, कुछ मैंने देखा कई लोग थोड़ा सा डरते हैं ऐसे फोन चलाने में, बट एक और चीज है कि वो एक ओवरऑल फोन है, उसमें गेमिंग इतनी अच्छी नहीं है जितनी कि 11i में ज्यादा अच्छी हो जाती है, एंड ओवरऑल 11i इज अ गुड पैकेज। बाकी मैं कैमरा रिव्यू जल्दी लेकर आता हूं, बट मैं ये बोल सकता हूं कि 11i 21-22,000 के आसपास अगर आप ले पा रहे हो तो बहुत ही अच्छी डील है। चलो अभी दो तीन आपको ऐसे मॉडल बता देता हूँ जो कि आपको नहीं लेने। पहले तो मैंने आपको बोल दिया था कि H20 Fusion आपको G71 वैसे ज्यादा अच्छा रहेगा, तो Fusion को आप थोड़ा सा इग्नोर करोगे तो ज्यादा ही बढ़िया है। बट नेक्स्ट फोन जो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ वो है OnePlus का Nord CE 5G। अब यहाँ पर ये जो चीप एडिशन आया था, सो हाँ ये जो CE 5G आया था ना, ये स्मार्टफोन में लगा था OnePlus की तरफ से एक चीपेस्ट फोन बहुत ही तगड़े वाला देखने को मिल जाएगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं एक्चुअल में, इसमें OnePlus वाली फीलिंग ही नहीं थी, काफी सारे बग्स हैं, काफी सारे लैग्स हैं, काफी सारी अजीब चीजें हैं, कैमरा अच्छा नहीं है। सो ओवरऑल हाँ ये OnePlus का फीचर जरूर है इसमें कि इसमें कैमरा अच्छा नहीं है।
सो ओवरऑल ये काफी ऐसा ही फोन है, मतलब लेने लायक फोन नहीं है और ये अभी भी 22,000 में शायद बिक रहा है, 25,000 का आया था, सो इसको इग्नोर कर देना। नेक्स्ट जो है रियलमी 8i, यार ये खराब फोन नहीं है, काफी अच्छा फोन है अगर मैं देखूं तो, और इसको आप 11,000 कुछ में आप इसको ले सकते हो, एंड आई थिंक ये 13,000 में लॉन्च हुआ था, काफी बढ़िया गेमिंग फोन निकल कर आता है। बट मैं एक चीज कह रहा हूँ, 9i आने वाला है, अगर आप उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लो क्योंकि एक सक्सेसर हो जाएगा, एंड बजट में जब कोई सक्सेसर आता है ना भैया, टेक्नोलॉजी एकदम से काफी बदल जाती है, तो काफी सारे स्पेक्स बदल जाएंगे, काफी सारे फीचर्स बदल जाएंगे, सो आई थिंक आपको उसकी वेट कर लेनी चाहिए 9i की, उसके बाद आपको यहाँ पे फिर देख लेना कौन सा वाला लेना है, मेरे हिसाब से 8i को छोड़ देना चाहिए, 9i की वेट कर लेनी चाहिए। तो भाई अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख ही लिए तो आप वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, एंड ये थे सारे के सारे ऑफर्स एंड सारे की सारी डील्स जो कि मेरे हिसाब से आपको काफी अच्छी लगेंगी, एंड जो नहीं लेनी बता दी, जो लेनी है वो भी बता दी। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, एंड मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना विषय में करके ख्याल, एंड मेरा ऐसे सपोर्ट करते रहिए, ये गला बहुत खराब है, आपको आवाज भी अजीब सी लग रही होगी, बट चलिए, साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।